हेलो, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज अपन जो है गणित की जो है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन है, जो बुक है उसका जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए और सेकंड ईयर वालों के लिए कॉमन सा होता है, तो और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और जो अपने कंपटीशंस एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें तो त्रिकोण, त्रिकोण यानी तीन कोणों वाला, मिति यानी आकृति, जो तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति है वो त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोण कौन सा होता है? त्रिकोण आप जानते हो कि त्रिभुज जो है वो त्रिकोण होता है। तो त्रिभुज अपन जानते हैं सबसे जो कॉमन अपन स्टडी करते हैं वो किसके बारे में करते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो त्रिकोण सॉरी त्रिभुज है इसमें तीन कोण हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये जो है 90 डिग्री कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण। ओके, और ये जो है थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो कोण है ये थीटा कहलाता है, और थीटा कोण के सामने वाली भुजा जो है वो हमेशा क्या कहलाएगी? ये जो सामने वाली भुजा है ये क्या कहलाएगी? लंब। हमेशा जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो लंब कहलाती है, और ये जो है ये कहलाता है ये जो है 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये जो कोण है इसका मान क्या होगा? 90 यहाँ से आया और ये थीटा माइनस कर देंगे तो 90 माइनस थीटा, जो इन दोनों के कोण के बाद में जो कोण बचता है वो कोण ये उसका मान इस कोण का बचता है। तो ये 90 माइनस थीटा के जो सामने वाली भुजा है या फिर अपन कह लें कि जो बची हुई भुजा है वो क्या कहलाएगी? हमेशा आधार कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो आप समझ गए होंगे भाई, त्रिभुज की तीन कोण हो गए, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज इसलिए ये थीटा कहलाता है, और ये जो बचा हुआ कोण है क्या कहलाता है? 90 माइनस थीटा। तो और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो आधार कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अपन बात कर रहे थे भाई त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसकी जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं, इस शाखा के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर क्या करते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के माप व उनके मध्य संबंधों पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जो ये त्रिभुज है इसके तीनों कोण ये तीनों कोण अपन ने देख लिए, और तीनों भुजा लंब आधार और कर्ण इनके मध्य जो संबंध है क्या है? संबंध, संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये जो भुजाएं हैं और कोण हैं इनके मध्य क्या संबंध होता है
उसका जो है इसके अंदर जो है अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। क्या कह रहे हैं? त्रिभुज की भुजाओं में, त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। तो त्रिभुज की भुजाओं में संबंध कैसे होता है, मतलब भुजा और कोणों में क्या संबंध होता है, वो इसके अंदर बताया गया है। तो क्या होता है कोण, क्या होता है भाई, किसी भी समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं का अनुपात के लिए किसी भी दो भुजाओं का अनुपात कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब दो भुजाओं का अनुपात कैसे होगा है? जैसे अपन जानते हैं भुजा जो है या तो लंब होगी, तीन भुजा है ना अपने पास, एक लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। अब इनका अनुपात क्या होगा? आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में अपन जब पढ़ते थे त्रिकोणमिति, तो उसमें पढ़ते थे ना लाल कक्का। तो ये जो लाल कक्का है ये क्या है, ये जो है समकोण त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का अनुपात है। क्या है? दो भुजाओं का अनुपात है लाल कक्का। और ये अपने को सिखाया जाता था। तो इसका दूसरा जो है लाल कक्का के अलावा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस। बेस यानी आधार और परपेंडिकुलर यानी लंबवत और लंब और हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो ये अपना दूसरा वाला फॉर्मूले के लिए होता था। तो जहाँ लंब है वहाँ क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और जहाँ कर्ण है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस यानी एच, और यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे वापस हाइपोटेनियस, और यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी अपॉन बी। तो ये जो है सेकंड अपना फॉर्मूला बनता है किसके लिए, दो भुजाओं का अनुपात। तो दोनों में से आपको जो आपने जो पहले पढ़ रखा है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो माइंड में सेट होता है पहले से जो फॉर्मूला वो ठीक रहता है। तो अपन ने जो बताया, अपन क्या कहते हैं भाई, कोण अपन क्या स्थापित कर रहे हैं, कोण के मध्य और भुजा के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, किस किस भुजा के मध्य बन रहा है, एक तो लंब और एक आधार के मध्य, यानी लंब और आधार के मध्य, यानी जो ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कौन सा कोण होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, टेन थीटा। क्या कहलाता है? टेन थीटा। और टेन थीटा में क्या आता है, लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार इसमें जो है फॉर्मूला आता है। टेन का तो थीटा कोण क्या हो गया, टेन थीटा, और अनुपातों का संबंध क्या हो गया, भुजाओं का संबंध लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे हुए आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। आप देख भी सकते हो कि ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये किस किस के मध्य बन रहा है, लंब और आधार के, भुजा के मध्य बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री पे हमेशा टेन थीटा होता है।
तो साइन थीटा जो है वो लंब और कर्ण के मध्य बनेगा, तो लंब यानी एल और कर्ण यानी के, तो इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं लंब और कर्ण के मध्य बनता है। और अपना जो बचा हुआ है क्या, कोस थीटा, कोस थीटा ये किसके मध्य बनता है, आधार और कर्ण के मध्य, यानी यहाँ पे आधार और कर्ण के मध्य इस ये थीटा पे क्या बनता है, कोस थीटा बनता है। तो आधार और कर्ण के मध्य कोस थीटा बनता है। इनके अलावा अपन को पता है कि भाई टेन साइन कोस टेन के अलावा क्या होते हैं, सेक कोसेक और कोट जो होता है। आपको पता है भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की कहानी। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके कि ये लंब जो है इस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और ये जो है कोण 90 माइनस थीटा कहलाएगा, ये 90 डिग्री कहलाएगा और ये थीटा कहलाएगा। और ये जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले तो कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का अनुपात ही कोण कहलाता है। और भुजा कौन कौन सी, लंब कर्ण और आधार अपने पास है, पी को क्या करते हैं परपेंडिकुलर और एस को हाइपोटेनियस, बी का बेस होता है। ये जो है हिंदी वर्ड के हिसाब से है लंब आधार और कर्ण। तो ये जो है टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और कोस का हो जाएगा आधार बटे व कर्ण, ठीक है। और अगर इसको इस हिसाब से लिखें, ये ऑप्शनल है ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, टेन का हो जाएगा पी अपॉन बी, और साइन का हो जाएगा ये अपने पी अपॉन एच या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस का हो जाएगा बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अपने दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बताना फर्ज है मेरा, क्योंकि बच्चों का क्या पता इससे इस हिसाब से बैठा हुआ हो किसी का और किसका इस हिसाब से बैठा हुआ हो, तो दोनों तरह से बताना मेरे लिए ज़रूरी होता है। तो आपको जो समझ में आए वो चूज़ करना, ज़रूरी नहीं है मैंने दोनों बताए तो दोनों यूज़ करें, ये समझ में अच्छे से आता है तो ये आप तरीका यूज़ करें, या फिर ये आता है तो ये तरीका यूज़ करें। तो मैं जो है मेरे हिसाब से तो ये जो है लाल बटे का जो है यही ज़्यादा यूज़ करते हैं गवर्नमेंट जो है स्कूल्स में, तो मैं इसी को यूज़ करने की राय भी देता हूँ और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो जो क्योंकि दोनों तरफ से तो पढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इस हिसाब से यहाँ तक ही बताऊँगा ये जो है ये होता है, उसके बाद में इसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे आगे जो है क्लास में। तो आगे चलते हैं, तो आगे अपन जो है इसके जो है ये जो त्रिभुज है इसके सारे रिलेशन लिख लेते हैं, भुजा और कोण के मध्य जो रिलेशन है वो अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्राइंगल, हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य में संबंध,
तो क्या होंगे संबंध? सबसे पहला संबंध अपना साइन, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे हुए जो है कर्ण, या इसको इंग्लिश में लिखे तो लंब बटे हुए कर्ण। और कोस का क्या होता है? कोस थीटा का ये हो जाएगा अपना आधार बटे हुए कर्ण, ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन के। और टेन का क्या हो जाएगा? टेन थीटा का लंब बटे हुए जो है आधार हो जाएगा एल बटे हुए अपॉन ए। और जैसा कि अपन ने बताया था कि भाई साइन का जो विलोम होता है, उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक में क्या होगा? उल्टा का मतलब जो ये भुजा का अनुपात है ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे हुए लंब हो जाएगा, के अपॉन एल हो जाएगा। और यहाँ पे कोस, जो कोस थीटा है इसका उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो कर्ण बटे हुए आधार इसका हो जाएगा के अपॉन ए, और जो बचता है इसका कोट थीटा। कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे हुए लंब, तो ए अपॉन एल। तो इस प्रकार से ये जो है त्रिभुज की भुजाओं में और कोणों में संबंध इस प्रकार से स्थापित होता है। छह कोण हैं और तीन भुजाओं भुजाएं हैं, उसके आधार पर ये अपना जो है संबंध स्थापित होते हैं। तो अब इसके आधार पर ये तो हो गई भुजा और इसके मध्य संबंध। तो अपन और भी इसमें रिलेशन बना सकते हैं, जैसे साइन और कोस के मध्य, कोसेक के मध्य क्या संबंध होगा। तो जैसे कि अपन कहते हैं कि भाई इसका उल्टा ये होता है, तो कैसे होता है? ये जो मान आया है वो कैसे आया है? तो ये मान आया है इस प्रकार, क्योंकि साइन बराबर, साइन थीटा का मान क्या होता है? एक बटे हुए कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान एक बटे कोसेक थीटा होता है, और ये जो है इन दोनों के मध्य संबंध है। तो इसको अपन आगे देखते हैं तो क्या होता है, जो कोस साइन का मान क्या होता है अपना? साइन का मान तो लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे जो है अपन मान रख देते हैं साइन थीटा की जगह, तो लंब बटे हुए कर्ण बराबर एक बटे हुए कोसेक थीटा। तो इसका जो पक्षांतरण करेंगे, इसका इस तरफ और इन दोनों का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कोसेक तो इस तरफ आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, और ये जो है इस तरफ चला जाएगा एक बटे हुए लंब बटे हुए कर्ण, ये पूरा ऐसे कैसा आ जाएगा। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा बराबर। अब इसको मैं थोड़ा इजीली बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि बहुत सारे को पता नहीं रहती। तो जब ऊपर कोई अकेली संख्या है और नीचे भिन्न संख्या है, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसको भी भिन्न बना दो, एक बटे वाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका भाग या गुणा किसी भी संख्या से कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का भाग एक 10 में देते हैं तब भी 10 ही रहता है, और 10 से एक को गुणा कराते हैं तब भी 10 ही रहता है। तो एक बटे वाई कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक का भाग एक में देंगे तो एक ही आएगा वापस। तो ये जो लंब बटे वाई कर्ण है, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, पहले को चौथे से गुणा कराओ और दूसरे को तीसरे से गुणा करो। ये जो है शॉर्ट तरीका है इसको सोल्व करने का, और बेसिक जो तरीका है वो होता है, अपन ने जो है भिन्नों का गुणा पढ़ा होगा आपने,
भिन्नों का गुणनफल होगा। तो भिन्न जो ये दोनों क्या है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न संख्या है। तो भिन्नों का गुणा कब होता है, जब ये जो है यहाँ रहेगी और ये जो भाग का निशान है इसको मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा, और ये जो लंबटा कर्ण है वो इस प्रकार से लंबटा कर्ण रहेगा। तो ये जो भाग का निशान है इसको मैं गुणा में कब बदलूंगा, तो ये जो चिन्हों, तो चिन्ह परिवर्तन करने के लिए भाग से गुणा कर दूंगा यहाँ पे, और इस संख्या को मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, लंब बटे व सॉरी कर्ण बटे व लंब हो जाएगा। इसीलिए जो है कोसेक थीटा का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब बटे व सॉरी कर्ण बटे व लंब हो जाएगा। साइन थीटा का मान तो क्या है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे व लंब। क्यों होगा, ये पूरी प्रोसेस के कारण होगा। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो कर्ण का गुणा करा रहे अपन, पहले के चौथे से गुणा कराएं, कर्ण का एक से गुणा कराया तो के ऊपर आ गया, और बटे में एक को लंब से गुणा कराया तो एल नीचे आ गया। तो ये तो तरीका है, पहले को चौथे से गुणा करो, फर्स्ट संख्या को चौथी संख्या से गुणा करो और सेकंड संख्या को थर्ड संख्या से गुणा करो, तो ये जो है ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है। और ये दूसरा तरीका है, इसमें क्या होता है, ये जो भाग का निशान है उसको गुणा में बदला जाता है। ये जो है अपने भिन्न वाला चैप्टर है, उसमें जो सेकंड चैप्टर आता है उसमें ये बताया जाता है, तो उसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो ये जो भाग से गुणा में परिवर्तित होता है कब होता है, जब ये जो यहाँ पे जो संख्या है भाग के बाद वाली, ये उल्टी हो जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, और इसके जो रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ, और क्या क्या रिलेशन है। जैसे इसका वापस उल्टा करें तो कोसेक थीटा का जो रिलेशन है क्या बन जाएगा इसी के साथ, तो कोसेक तो इधर चला गया और साइन नीचे आ जाएगा, तो ये साइन थीटा यहाँ आ गया, तो ये हो गया। उसके बाद में अपन देखें तो अपना जो कोस है, इसी प्रकार जो कोस थीटा है, अपन कहते हैं भाई कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कैसे होता है, कोस का मान क्या हो जाएगा, एक बटे व सेक थीटा, और इसी को अपन दूसरा सेक का माने तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे व कोस थीटा। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। और अपन देखें तो इसी प्रकार जो है टेन और कोट का भी हो जाता है, टेन थीटा बराबर एक बटे व कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा आता है कोट थीटा, क्योंकि कोट नीचे जाता है, ये सेक है। तो उसी प्रकार कोट थीटा का क्या हो जाएगा, एक बटे व टेन थीटा। ओके, और एक रिलेशन तो ये हो गया टेन का, और एक रिलेशन बनता है अपना जो अपन सब जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं क्लास से 9वीं क्लास से, कि भाई टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे व कोस थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है इसका, टेन का उल्टा होता है, तो कोट में क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो है आप ये नियम बनते हैं। तो ये तो हो गए आपस में जो है रिलेशन बनते हैं। पहला रिलेशन ये हो गया, ये दोनों को मैं एक मान रहा हूँ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये भुजाओं और कोणों के मध्य हो गए, भुजा और कोण के मध्य रिलेशन हो गया। ठीक है, और चौथा जो है वो ये हो गया, चौथा ये हो गया, और अन्य जो रिलेशन है वो क्या है, पांचवा में बता देता हूँ,
साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए तो बटे में जा रहा है भाई। ये साइन बटे हुए कोसेक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पहला जो फर्स्ट है ये इस प्रकार होता है, साइन गुणा कोसेक बराबर 1 होता है। तो ये होने की वजह से क्या होगा, साइन अगर साइन बराबर रखते हैं, साइन थीटा बराबर रखते हैं, तो क्या हो जाता है, 1 बटे हुए कोसेक थीटा बन जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार अपन देखें तो ये कैसे बनता है, कोस और सेक का ये बनता है छठे नियम से। छठा नियम कहता है कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होता है। वही कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा बन जाता है। और उसी प्रकार सातवां जो रिलेशन है वो है टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये जो है टेन थीटा बराबर 1 बटे हुए कोट थीटा बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। और तो ये जो मैथ जो सब्जेक्ट होता है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं चलता है। आपको पता है कि भाई आपने पढ़ तो लिया है भाई रिलेशन क्या होते हैं कोण के बीच में और भुजा के बीच में, लेकिन जब तक इसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता, तो फिर जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली इसको करना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि अपन ने जो पहले बात करते हैं इनकी, जो अपन ने बताए हैं ये जो संबंध है, छह संबंध अपन ने बताए हैं, साइन कोसेक कोस सेक टेन और कोट, भुजा और कोण के बीच में संबंध बताए हैं। उसके आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि अपने को जो मान देर का है वो है कि यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है, क्या देर का है, कोस थीटा बराबर 4/5 देर का है, तो अपने को पूछा है कोट थीटा का मान क्या होगा और साइन थीटा का मान क्या होगा और टेन थीटा का मान जो है क्या होगा। तो ये सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूला जो है वो आप बेसिक फॉर्मूला है, बहुत शुरू से आप काम लेते आ रहे हो। जब भी अपन कर्ण आधार और लंब का नाम लेते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अरे मैं तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या सूत्र बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब की जगह मैंने आधार लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कर्ण बराबर जो है बीच में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, प्लस का निशान ही रहता है। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर बटे सॉरी प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस नियम कहलाता है। तो इसके आधार पर अपन निकालते हैं, क्योंकि अपने को पता है जो कोस थीटा का जो अपन ने बताया है वो लाल कक्का के हिसाब से, लाल कक्का के हिसाब से यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कोस होता है और यहाँ पे टेन होता है। तो क्या होगा, कोस का आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार बटे हुए कर्ण, यानी ये जो मान देर का है 4/5, ये क्या देर का है, आधार 4 देर का है और कर्ण 5 देर का, यानी अपने पास क्या आ गया, आधार का मान आ गया 4 और कर्ण का मान आ गया 5। तो अपने को क्या पता नहीं है, अपने को पता नहीं है लंब। तो लंब का मान निकालने के लिए अपने को
ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ये कहता है कि आपके पास दो वैल्यू है तो तीसरी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जो निकालना है उसको इस तरफ ले आओ और फॉर्मूले को चेंज कर। तो कर्ण ये जो फॉर्मूला है ये भी चेंज कर देंगे, लंब को इस तरफ ले आएंगे और कर्ण को इस तरफ ले आएंगे, तो अपना जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो जो है क्या हो जाएगा, अपने पास क्या है, कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 4 का स्क्वायर 16, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लंब का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इसके, रूट। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। तो अपने पास क्या आ गया, ये एल का मान आ गया। किसका मान गया, एल यानी लंब का मान आ गया। तो अब अपने को क्या पता है, रिलेशन संबंध क्या कहते हैं, कि भाई साइन थीटा बराबर, अगर साइन का मान निकाले तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या आता है, जो है ये जो यहाँ से देखें, लंब बटे व कर्ण आता है, तो लंब बटे व कर्ण। और लंब कितना है अपने पास, 5 है, और सॉरी लंब तो अपने पास 3 और कर्ण है अपने पास 5। तो यहाँ से ये अपने पास साइन का मान आ जाता है 5/3। और वैसे ही अपन निकालेंगे टेन का मान। तो टेन का मान क्या है, यहाँ से लंब बटे हुए आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे हुए आधार। और लंब का मान कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। तो ये अपना सेकंड आंसर हो जाता है, सॉरी टेन थीटा लंब बटे आधार 3/4 इसका मान हो जाता है। तो ये टेन का मान आ गया 3/4। और लास्ट अपन निकाल लेते हैं कोट थीटा, कोट थीटा, क्योंकि कोट थीटा का मान पूछा है ना यहाँ पे। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है, लंब का उल्टा होता है, तो लंब का उल्टा यानी आधार बटे हुए लंब इसका मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3 ये आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल से अपने को कोस थीटा का मान दे रखा था 4/5, उससे अपन ने कोट साइन और टेन के मान निकाल लिए। किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लिए। तो इसी के आधार पर आपको जो मैं है दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, वो उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये कंटेस्ट तैयार हो जाए। तो आपके लिए तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 12/13 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए 12/5, बी 5/13, सी 5/12, डी 13/5। तो इनके जो आंसर है आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, और फिर बाद में आंसर का ऑप्शन, आप ऑप्शन नहीं पूरा आंसर ही आपको प्रिंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो जैसे मैं आंसर ए है, माना कि ए है 12/5, आपको पूरा आंसर देना है और क्वेश्चन नंबर एक का आंसर लिख के बताना, ये पूरा डिटेल देनी है, क्योंकि तीन क्वेश्चन है जिसमें से दो सेम है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा
बराबर 3/5 है, तब कोस थीटा का मान होगा। तो पहला ऑप्शन है 4/5, बी 4/3, सी 5/4 और डी जो है 3/5, ये चौथा ऑप्शन है। तो इसका भी आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे आंसर क्या होगा, और कोस थीटा का विपरीत क्या होगा, ये तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। सेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जिनमें से दो जो है कैलकुलेशन के हैं और एक जो है वर्बली है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तीनों सिंपल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, और नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने सम रिलेशन और जो फॉर्मूले बताए हैं, जो ये जो 11 फॉर्मूले बताए हैं, इनकी आप याद करें और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें इनको याद करके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और पता नहीं कॉलेज लगेगी नहीं लगेगी, तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। और हो सकता है आपका एग्ज़ाम डायरेक्ट ही जो लॉकडाउन खुलने के बाद में एग्ज़ाम ही हो, तो ऐसी स्थिति ना हो कि आप की तैयारी ना हो, इसलिए मैंने ये क्लास चलाई है। तो आप जो है वो अच्छे से तैयारी करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे को बताएं। तो धन्यवाद।